हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि पोलैंड जो एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में। तो जैसे ही आपको पता ही है सबको कि अभी पोलैंड में जो गवर्नमेंट थी वो चेंज हो गई है, और अभी जो उसके न्यू रूल एंड रेगुलेशन है वो स्टार्ट करेंगे 2024 जनवरी से। तो बहुत जल्द हमको वो पता चलेगा कैसे कैसे कौन कौन से जो नए रूल है उन्होंने बनाए हैं। तो आई होप कि वो रूल हम सब के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है तो वो आप पोलैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हो, और मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो न्यूज है वो एक सच्ची न्यूज है, झूठी न्यूज नहीं है। तो इस न्यूज में क्या उन्होंने बोला है कि गाइस, जैसे आपको पता ही है कि जो अक्टूबर से पहले जब भी आपको जो वीजा की अपॉइंटमेंट एम्बेसी के लिए मिलती थी वो VFS सिस्टम के थ्रू मिलती थी। अगर देखा जाए तो वो सिस्टम थोड़ा आसान भी था और डिफिकल्ट भी था। आसान किन के लिए था? जिनके पास थोड़े पैसे हैं, क्योंकि एजेंट्स जब भी स्लॉट ओपन होते थे तो उसको बुक करके रख लेते थे और वो बहुत कॉस्टली बेचते थे, उसको सेल करते थे। और जिसके पास तो पैसे हैं वो तो बंदा पैसे देके खरीद लेता था उनको। अभी जैसे कोई नॉर्मल इंसान है जिसके पास इतना पैसा नहीं था तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, उसके लिए बहुत टफ हो जाता था। और उसके लिए ड्रॉ सिस्टम अच्छा था, क्योंकि नहीं कुछ मिलने से अच्छा है तो कुछ ना कुछ तो आ रहा था, कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट आ रही थी ड्रॉ सिस्टम में। लेकिन अभी देखा जाए तो जैसे देखो, अभी इंडिया खुद इतनी बड़ी कंट्री है और ऊपर से जो साथ की कंट्रियाँ हैं उनमें एम्बेसी नहीं है, तो उन सबको इंडिया में आना पड़ता है सबमिशन करने के लिए। अभी जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मॉरिशियस होगा, उन कंट्रियों में जो पोलैंड की एम्बेसी नहीं है, तो उन सभी कंट्रियों को सबमिशन करने के लिए इंडिया में ही आना पड़ता है। तो अभी पूरी कंट्रियाँ जब भी अपना ड्रॉ सिस्टम में नाम डालेंगी तो आप सोचो कि अभी एक वीक में अगर 200 बंदे के भी ड्रॉ आते हैं तो सोचो अभी कितनी कंट्रियाँ मिलकर डाल रही है, उसमें 200 बंदे के एक वीक में आएंगे तो बहुत टफ होता था उनके लिए। तो इसके लिए उनको क्या है, जो दिल्ली, जो भी स्टेट्स दिल्ली के अंडर आती है, तो उनको अभी जो VFS सिस्टम है दोबारा से उसको रीओपन कर दिया जाएगा। अभी 23 नवंबर से जो VFS सिस्टम है दोबारा न्यू दिल्ली के लिए वो ओपन कर दिया जाएगा। तो उसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो हमको 23 तारीख को ही पता चलेंगे। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि वो जो सिस्टम है, जो VFS का सिस्टम है, वो जैसे पहले काम कर रहा था कि वैसे सेम करेगा, इसका हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, जब भी वो सिस्टम ओपन होगा तभी हम उसको देख सकते हैं कि उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको चेंज किया है या पहले की तरह ही है। तो वो हमको 23 तारीख को जब ये सिस्टम स्टार्ट होता है दोबारा से, जब भी नई फाइल हम उसमें ऐड करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हाँ ये सिस्टम अभी कैसे काम कर रहा है और इसमें क्या चेंजेस आए हैं। आई होप कि उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज तो किया होगा, क्योंकि अभी नई गवर्नमेंट आई है तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी। और जो भी उनके रूल रेगुलेशन है वो जनवरी में, ज़्यादा तो जो रूल रेगुलेशन है वो जनवरी में ही स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए जो भी मेरे दोस्त तो होप छोड़ चुके थे, और बहुत सारे तो मेरे दोस्त मेरे को भी कमेंट कर रहे थे कि सर अभी हमको कोई प्लान बी बता दीजिए, अभी अपॉइंटमेंट तो नहीं आ रही है, एक साल से ज़्यादा हो गया, तो अभी हमको कुछ कोई ऐसा प्लान बताइए कि जिसको हम एज ए जैसे होता है ना कि प्लान बी की तरह लें, कि अगर इधर से नहीं होता है तो हम किसी दूसरी जगह में ट्राई कर लें, और पैसे जो लगे हैं, जो एजेंट को पैसे दिए हैं वो तो वापस नहीं आएंगे। तो अभी तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त ऐसे फंसे पड़े हैं, अभी इतना टाइम वेट किया है तो आप एक या दो मंथ और वेट कर लीजिए, क्या पता नया साल कोई अच्छी खुशखबरी आपके लिए लेके आए जो पोलैंड से अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो दोस्तों, आई होप कि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी आपको लगी होगी, और आप खुद भी उसको चेक कर सकते हो। अभी पोलैंड गवर्नमेंट की आप वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले उसमें न्यूज़ का आइकन आएगा, तो उसको ओपन करके आप पूरा देख सकते हो। और उसमें साथ में उन्होंने ये भी लिखा है, लेकिन ये जो VFS सिस्टम है वो सिर्फ न्यू दिल्ली एम्बेसी के लिए ओपन किया जाएगा। और लेकिन उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया है, जो मुंबई की एम्बेसी है उसके लिए जो अपॉइंटमेंट की जो क्वांटिटी थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे अभी पहले उसमें 200 बंदों की अपॉइंटमेंट आती थी एक वीक में, तो अभी 300 या 400 की आएगी, उनमें भी जो अपॉइंटमेंट के नंबर को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी खबर है कि उनमें भी चलो जो आपका नंबर थे कम आ रहे थे, कम अपॉइंटमेंट्स आ रही थी, अभी उसमें भी ज़्यादा आने लगेंगी। और जो दोस्तों के पास थोड़े पैसे हैं और जो न्यू दिल्ली के अंदर जिनके जो न्यू दिल्ली के अंदर आते हैं वो आप, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, उसमें स्टेट्स लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो न्यू दिल्ली के अंदर आती हैं। तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कि अगर थोड़े पैसे दे के भी उनको अपॉइंटमेंट मिल रही है
तो अभी जो जैसा टाइम चल रहा है, अगर तो आपको पैसे दे के भी अपॉइंटमेंट मिल रही है तो मेरे हिसाब से आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जैसे वॉर चल रही है, आपको भी पता है इसराइल फिलिस्तीन की वॉर चल रही है, तो अभी आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होगा। अगर आपके पास वर्क परमिट है और आपका वर्क परमिट की वैलिडिटी कम रह गई है, तो आप थोड़े से पैसे लगा के आप अपॉइंटमेंट लेके जल्दी से कोशिश करें कि आपका वीजा लगाने की। तो आई होप कि दोस्तों ये न्यूज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।